तो मुफड़ भाई ने बात किया है एमए भाई, कृष्णा भाई, रफ्तार भाई सबके बारे में। बात कर लेंगे उसी के बारे में इसी वीडियो के अंदर। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में भी आपको हिप हॉप का अपडेट्स दूंगा, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो पहले ही बात कर लेंगे मुफड़ भाई के बारे में। तो मुफड़ भाई का एक इंटरव्यू का क्लिप आया है अब इंस्टाग्राम के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने रफ्तार भाई के बारे में, कृष्णा भाई के बारे में, किंग भाई के बारे में, एमी भाई के बारे में, बादशाह भाई के बारे में, हनी पाजी के बारे में, भाई के बारे में बात किया है। आप लोग देख लो। मैं क्विकली 4-5 नाम लूंगा जी। योर रिएक्शंस ऑन देम, ऑनेस्ट रिएक्शंस। हनी सिंह, मोटिवेशन मशीन। बात होती है उनसे बाजी से? मेरी इंस्टाग्राम पे हुई है, मतलब हाँ हुई है। सुपर इक्का, वो इंसान से मैंने ये चीज सीखी है कि जड़ से कैसे जुड़े रहते हैं। रफ्तार, रफ्तार कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओके, बादशाह, सुपर सक्सेसफुल आर्टिस्ट। किंग, अगेन वेरी सुपर, वेरी वेरी टैलेंटेड है ना, और वेरी स्मार्ट। एमबीए बनता है, इंस्पिरेशनल। लास्ट नाम कृष्णा, कुछ नहीं। तो चलिए बात कर लेंगे एमयू भाई के बारे में। तो एमयू भाई एक स्टोरी शेयर करते थे, आप लोग देख सकते हो उनका जो अभी ट्रैक आया है इंडिपेंडेंट, वो ट्रैक आ चुके 11 दिन हो गया है, और 11 दिन से आप लोग देख सकते हो वो ट्रैक ट्रेंड कर रहा है, और स्टोरी पे लिखा था डैम इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंस होल्ड। तो चलिए बात कर लेंगे एमसी स्टैन भाई के बारे में। तो एमसी स्टैन भाई अपने स्टोरी पे लिखे थे टायर्ड। तो आप लोग जानते हो स्टैन भाई का हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो शायद से उसी मैटर पे स्टोरी है। तो चलिए बात कर लेंगे रफ्तार भाई के बारे में। तो रफ्तार भाई एक पोस्टर को अपने स्टोरी पे शेयर करते थे, आप लोग देख सकते हो उनके तरफ से कुछ तो आने वाला है बहुत ही जल्द, जिसका डिटेल्स अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और इसी को कर्मा भाई भी शेयर कर रहे थे। तो अभी पता नहीं क्या दोनों के बीच में ही कुछ आने वाला है, बाकी देखते क्या निकल कर आता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।